वेलकम बैक uh, हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट वीडियो में मैंने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करूँगा मैं लास्ट वीडियो में मैं आपको समझा रहा था कि कैसे ग्राफ के थ्रू हम सोल्यूशनस को कैसे देखते हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब दोनों इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा था तो उसको हम लोग सल्यूशन कहते हैं मैंने ये भी कहा था कि ये सोल्यूशन क्यों है ये मैं आपको बताऊँगा तो उसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा मैंने एक सेट ऑफ इक्वेशन ले लिया है ये पहला इक्वेशन है मैं नंबरिंग कर देता हूँ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू ये दो पेयर ये एक्चुअली में एक पेयर ऑफ इक्वेशन है दो इक्वेशन है ये इन दोनों को पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे और हमें इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन चाहिए सोल्यूशन का मतलब है एक ऐसी वैल्यू ऑफ एस एंड टी जिसको रखने के बाद दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल में एक्स वाई जी ये इस तरह की सभी अल्फाबेट्स होती हैं बट मैंने आपको कभी ये नहीं रोका था कि एस ओर टी नहीं होता है मैंने उस समय भी कहा था कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स यूज हो सकता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एस ओर टी का इस्तेमाल हुआ है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं ग्राफ बनाने के लिए मैं पेज चेंज कर लेता हूँ ग्राफिकल पेज ले, ले लेता हूँ लास्ट टाइम ग्राफ वाला पेज नहीं लिया था जिसकी वजह से दिक्कत हुई थी तो इस बार मैं ग्राफ पेज ही ले लिया मैंने स्ट्रेट अवे और अब मैं आपको ग्राफ इसके ऊपर बना के दिखाता हूँ तो देखें आप कि कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे ओके सो ग्राफ के लिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बना लेते हैं तो दिस इज वाई एक्सेस एंड फिर एक्स एक्सेस हम बना लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सेस ये मैंने बना लिया और अब मैं इसको सॉल्व करूँगा अब जरूरी नहीं कि मैं सारे फॉर्मेट आपको हर समय करके दिखाऊं क्योंकि अब आपको बता चुका हूँ कि एरो लगता है एरो इसलिए लगता है क्योंकि लाइन है ये तो अब हर बार मैं नहीं लिख के दिखाऊँगा अब आप अंडरस्टूड है ये कि एरो होगा एनी anyway, वे तो चलते हैं अब s माइनस टी इक्वल्स टू थ्री ये एक इक्वेशन है और दूसरा है s बाई थ्री प्लस टी बाई टू इक्वल्स टू सिक्स तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि इसको आसान तरीके से लिख लें आसान होने का मतलब है डिनोमिनेटर में कुछ भी ना रखें आप सब कुछ न्यूमिनेटर में रख लें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब हुआ मैं दिखा देता हूँ आपको लिख करके स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है यहाँ पर तो ये देखिए मैं इस एस बाई थ्री प्लस टी बाई टू को एस बाई थ्री प्लस टी बाई टू को सॉल्व करता हूँ इक्वल्स टू सिक्स सिक्स सॉरी तो एल्शियम ले लेते हैं थ्री और टू का एल्शियम सिक्स होता है सो दिस इज़ टू एस प्लस थ्री टी इक्वल्स टू सिक्स एंड टू एस प्लस थ्री टी इक्वल्स टू थर्टी सिक्स सो ये आपका एक इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर टू इसका नेमिंग कर देते हैं और ऊपर वाला जो है उसको हम इक्वेशन नंबर वन कर देते हैं तो फर्स्ट वाला जो था वो उसको इक्वेशन नंबर वन लिख देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर टू तो इक्वेशन टू को मैंने यहाँ सिम्प्लीफाई कर लिया है अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं पॉइंट्स निकालूंगा कि कहाँ पे लाइन बनेगा तो ले लीजिए इक्वेसन टू मुझे सबसे पहले दिख रहा है तो मैं उसी के लिए लाइन का बना लेता हूँ लाइन लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको दो पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एस और टी है आप यहाँ पे एस की वैल्यू एक बार कुछ रख लें जो चाहें जीरो ज़रूर रखा करें बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना एस की जगह ज़ीरो रख लेते हैं तो एस इक्वल टू जीरो रख लेते हैं तो टू मल्टीप्लाई ज़ीरो इज़ जीरो थ्री टी रह गया थ्री टी इक्वल्स टू थर्टी सिक्स तो टी इज़ इक्व टू थर्टी सिक्स बाई थ्री विच इज़ ट्वेल्व तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ट्वेल्व और उसी तरह से एक बार टी की जगह हम जीरो रख लेंगे तो टी की जगह अगर आप जीरो रखेंगे तो आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी एस की वैल्यू थर्टी सिक्स बाई टू हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू एटीन ये इस लाइन के लिए आपने ऐसा बना दिया अब हम फर्स्ट वाले लाइन के लिए भी बना लेते हैं तो फर्स्ट वाले लाइन में क्या है वो देख लेते हैं फर्स्ट वाले लाइन में था मेरे पास एस माइनस टी इक्वस टू थ्री तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं एस माइनस टी इक्वल्स टू थ्री के लिए एक बॉक्स बना लेता हूँ और बॉक्स में एस और टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एस और टी तो एस की जगह एक बार आप ज़ीरो रखें जीरो तो ज़ीरो माइनस टी इक्वल्स टू थ्री तो टी इक्वल्स टू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस टी इक्वस टू थ्री है तो टी इक्वल टू माइनस इधर से इधर आ जाएगा तो माइनस थ्री अब एक बार टी की जगह अगर आप जीरो रखेंगे तो एस इक्वस टू थ्री ये बन गया अब हमें इसको प्लॉट करना है प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे इसको कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट करेंगे एस कॉमा टी है तो एस की जगह जीरो टी की जगह माइनस थ्री अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अगर आप एस को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं और टी को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं हमेशा याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्लॉटिंग एक्स एक्सेस पे होती है और डिपेंडेंट वेरिएबल की प्लॉटिंग वाई एक्सेस पे होती है इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की प्लॉटिंग हमेशा एक्स एक्सेस पे होगी और डिपेंडेंट वेरिएबल की प्लॉटिंग हमेशा वाई एक्सेस पे होती है अब यहाँ पर आपको वो फंडा काम आएगा जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को पहचानते हैं अगर आप ये नहीं पहचानते आप रिलाई करते हैं कि हर बार क्वेश्चन में एक्स और वाई रहेगा और उसी से आप पहचानेंगे तो ऐसा नहीं होगा इस केस में आप देख पा रहे हैं कि एस और टी है। अब आप कैसे जानेंगे किसको एक्स एक्सेस पे रखना है और किसको वाई एक्सेस पे रखना है इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की जानकारी होनी ज़रूरी है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि एस जो है वो डिपेंडेंट है टी के ऊपर तो एस को इंडिपेंडेंट एस को डिपेंडेंट मानता हूँ मैं और टी को इंडिपेंडेंट मानता हूँ ओके तो कोऑर्डिनेट हमारे पास है अगर t हमारे पास इंडिपेंडेंट है तो आपको जानकारी होगी मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमेशा x कॉमा वाई के फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखा जाता है ऑलवेज x कॉमा वाई के फॉर्म में कोऑर्डिनेट लिखा जाता है x हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो x अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस जगह पे मैंने क्या रखा है t तो t हमारे पास पहले लिखा जाएगा विच इज़ माइनस थ्री और s की वैल्यू बाद में क्योंकि s हमने डिपेंडेंट रखा है और उसी तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो कॉमा थ्री जीरो थ्री अब ये आपको मार्क करनी है तो एक्स की जगह माइनस थ्री है तो माइनस थ्री विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री मैंने इतना छोटा इसलिए रखा है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एटीन भी वैल्यू गया है अब मैं दो दो का गैप लूंगा तो एटीन इस ग्राफ पेपर पर पे आया आ ही नहीं पाएगा इसलिए मैंने एटीन के लिए एक एक ही रखा है सिंपली तो माइनस थ्री कामा ज़ीरो ये वाला पॉइंट है और इसी तरह से नेक्स्ट वाला ज़ीरो कामा थ्री मतलब एक्स की वैल्यू जीरो है मतलब ना आगे गया है ना पीछे गया है किधर भी नहीं गया और वाई की वैल्यू थ्री है तो वन टू एंड थ्री तो ये पॉइंट हो गया इन दोनों पॉइंट को जोड़ करके एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे तो मैं तेज़ी से ड्रा कर देता हूँ आप देखें इन दोनों को जोड़ते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी लाइन हमेशा बड़ा बनाइएगा बड़ा बनाने से अच्छा रहता है दूसरा वाला इक्वेशन है हमारे पास फिर से वही है कि टी को हम लोगों ने क्या रखा है इंडिपेंडेंट तो टी को यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट रखेंगे 12.0 कॉमा जीरो मतलब टी एक्स की जगह ले लेगा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा एक्स मतलब एक्स एक्सेस पे प्लॉट होगा तो 12.0 कॉमा ज़ीरो एक्स की वैल्यू 12 तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सो ये रहा हमारे पास ट्वेल्व और कॉमा जीरो मतलब वाई हमारे पास ना ऊपर गया ना नीचे गया तो ये एक पॉइंट हो गया और दूसरा है टी की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू एटीन तो टी की वैल्यू ज़ीरो और वाई की वैल्यू एटीन बहुत ऊपर जाएगा मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं ऊपर कर पाया तो बहुत अच्छा है लेट मी ट्राई सो ओके सो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, 11, 12, 13, 14 और दिस इज टू हाई लेट इट बी हियर ओनली मान लेते हैं ये यहाँ पे होगा इससे भी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे वी वॉन्ट बी एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू बट ठीक है एटलीस्ट यू हैव समथिंग इन हैंड टू अंडरस्टैंड तो ये रहा अब ये दोनों लाइन अगर आप देखेंगे तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि एक्चुअल पॉइंट नहीं है इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्योंकि इसलिए एक्चुअल नहीं है क्योंकि 18 तो यहाँ पे है ही नहीं 18 और ऊपर होता कहीं और वो मैंने मैं बना नहीं पाया मेरे ख्याल से वो यहाँ पे इंटरसेक्ट होता शायद लेकिन खैर अभी तो वो नहीं कर रहा है इसलिए जम नहीं करते तो ये मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वह सल्यूसन है सोल्यूसन इस इक्वेशन का इन दोनों इक्वेशन का ये वाला पॉइंट सोल्यूशन है इसका मतलब ये पॉइंट अगर हम इस इक्वेशन पे रखेंगे तो सैट्सफाई करेगा इस पे भी रखेंगे तो सैटिस्फाई करेगा अब ये वाला ही सोल्यूसन क्यों है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसकी ये वाली पॉइंट की वैल्यू हम एक्चुअल वैल्यू निकाल करके यहाँ रख के मैं नहीं दिखा सकता आपको ग्राफिकली ग्राफ graph पे जो वैल्यू दिख रही है मतलब वन टू थ्री फोर फोर एंड फाइव या फिर फोर एंड हाफ़ ये वैल्यू मैं यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट नहीं है इसलिए इसको रखूंगा तो सेटिसफाई नहीं करेगा तो आपको लगेगा ये गलत हो रहा है अब मैं ये आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस इनको सल्यूशन क्यों कहा जाता है तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ओके लेट मी टेक दिस एग्जाम्पल ये एक आ, लेन है जहाँ आप रहते हैं आप उस गली को समझ सकते हैं या उस लेन को समझ सकते हैं जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उस कॉलोनी को आप समझ सकते हैं अब इस कॉलोनी में यहाँ पे श्याम रहता है श्याम है यहाँ पे आ, अंकित रहता है यहाँ पे फन्नू रहता है यहाँ पे मुन्नू रहता है और एक दूसरी गली भी है वो ऐसे आती है और इधर से यहाँ से निकल जाती है ठीक है यहाँ से निकल जाती है यहाँ पे कोई रहता है इसके इसका नाम इसका नाम मीनाक्षी है मीनाक्षी रहती है यहाँ पे कोई रहता है इसका नाम पीकू है पीकू रहता है और इस जगह पे एक कोई और भी रहता है उसका नाम अज्यूम कर लेते हैं कि वो तो ऑलरेडी फन्नू है चलिए फन्नू ही रहता है और ये वाला जगह पे कोई रहता है आ, दीपक रहता है यहाँ पे, बस ये अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से कौन ऐसा है या कौन सा ऐसा जगह होगा जो इस वाले लेन के लिए भी या और इस वाले लेन के लिए भी एक्सेसिबल होगा तो कायदे से तो श्याम अगर यहाँ से चले तो यहाँ से चल के मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ श्याम अगर यहाँ से चले और चलता हुआ आए और फिर यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ से मुड़ के वो चाहेगा तो मीनाक्षी के यहाँ भी जा सकता है पीक्यू के यहाँ भी जा सकता है दीपक के यहाँ भी जा सकता है किसी के यहाँ भी जा सकता है एंड सिमिलरली दीपक भी यहाँ से चले और फिर यहाँ से ऐसे करके मुड़ जाए तो वो मुन्नू के यहाँ भी पहुँच सकता है जहाँ चाहेगा वो पहुँच सकता है को हर कोई कहीं भी पहुँच सकता है लेकिन अगर आप ये मान लीजिए कि ये ऑप्शन नहीं है आपके पास कहीं आप कहीं मुड़ सकते हैं तो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे आप दो लोग मिल सकते हैं तो वो जगह ये वाली है ये वाला ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है ये आप कह सकते हैं कि इधर से एक लेन आ रहा है इधर से एक लेन आ रहा है और ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे मिलता है दोनों लेन तो आप इसको कह सकते हैं ये पॉइंट ऑफ मीटिंग है इस वाले लेन के लिए भी यही जगह पे मीटिंग पॉइंट होगा और इसके लिए भी यही पॉइंट ऑफ मीटिंग होगा तो क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मीटिंग इस वाले लेन के लिए भी सूटेबल है इस लेन के लिए भी सूटेबल है तो हम कह सकते हैं ये कॉमन सोल्यूशन है कॉमन सोल्यूशन है तो जब कभी भी हम बात करते हैं सोल्यूशन की तो एक ऐसी बात करते हैं जिसमें कि सब के लिए हो अगर मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाए और अगर आप सुलह कराएंगे तो सुलह तभी होता है जब कॉमन चीज़ों के ऊपर दोनों बात कर सके कि ठीक है चलो मैं भी सॉरी बोल देता हूँ तुमने भी सॉरी बोल दिया तो हम मान लेते हैं कि ठीक है चलो बात ख़त्म हो गई लेकिन अगर उसमें कोई एक अड़ा रहेगा कि नहीं मैंने जो किया वो ठीक किया तो दूसरा हो सकता है कि न, कह गया फिर मैंने जो किया वो भी ठीक किया तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा तो सल्यूशन का मतलब हो जाता है कि जहाँ पे दोनों लोग मिल करके उस पॉइंट को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ इस पर हम दोनों राजी हो जाते हैं एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे लागू होती है यही वजह है कि जब आप ग्राफ पे दो लाइनों का इंटरसेक्शन देखते हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को सोल्यूशन काउंट किया जाता है किसी और को नहीं जबकि इस लाइन के ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस या फिर कह लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हैं इस लाइन के ऊपर आप जानते हैं एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं तो इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है इस लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है दूसरी भाषा में इस लाइन के ऊपर मान लेते हैं अगर कुछ नंबर ले लें हम इस लाइन के ऊपर नंबर है सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और इस लाइन के ऊपर नंबर है थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर एंड सो ऑन तो ये वाला जो पॉइंट है जो बीच में मैंने पिंक कलर से मार्क किया है ये वाला जो पॉइंट है इस पर जो नंबर होगा मान लेते हैं इस पर नंबर लिखा हुआ है ट्वेल्व तो ये वाला ट्वेल्व इस लाइन में भी जब इधर से जब आएंगे तो भी इस लाइन में ट्वेल्व कहीं ना कहीं होगा और इस लाइन में से जब आ रहे होंगे तो भी हमें 12 कहीं ना कहीं मिलेगा तो इफेक्टिवली वो यही पॉइंट है जहाँ पे दोनों को 12 मिलेगा इसीलिए हम लोग कॉमन सोल्यूशन की बात करते हैं या इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करते हैं तो जहाँ भी लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करता हो या कोई भी दो ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करता हो तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है हमेशा वही सल्यूसन होता है तो इससे मैंने ये बात आपको समझा दिया कि ग्राफ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग सोल्यूसन क्यों कहते हैं ठीक है अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड uh, की तरफ सॉरी नेक्स्ट पेज की तरफ लेके चलता हूं और आपको बताता हूं और भी सवाल को बनाने के तरीके या मैं एक दो और ग्राफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाता हूं आपको अब आप देखें कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ओके सो लेट मी टेक दिस एंड द चेंजेस एंड ओके फाइन So, let me take another example and this is x plus y I am just taking on my own x plus y equals to 9 and x minus y equals to uh, 1. वैसे तो आपको देख करके ही सोल्यूशन इसमें समझ में आ जाएगा कि क्या है दोनों नंबर ऐसे बताओ जिसको जोड़ने के बाद नाइन आए तो अगर आप यहाँ पे कॉलम बना के करेंगे तो आपको पता लग जाएगा और उन्हीं दोनों नंबर को याद रखेगा एक्स जो यहाँ है वही एक्स यहाँ है तो वही क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दोनों एक्स है तो जो एक्स की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे वही यहाँ पर भी होगी तो x प्लस वाई इक्वस टू नाइन है x माइनस वाई इक्व टू वन है तो x की वैल्यू फाइव और y की वैल्यू फोर फाइव प्लस फोर इज़ नाइन एंड फाइव माइनस फोर इज़ वन तो इससे साफ़ पता है मुझे कि x की वैल्यू यहाँ पे हम फाइव रखेंगे और y की वैल्यू हम वो रखेंगे लेकिन ऐसा आप छोटे छोटे सवालों में तो बना सकते हैं बड़े सवालों में ये करने का ऑप्शन नहीं रहता बहुत मुश्किल हो जाएगा वो करना इसीलिए हमारे पास मैकेनिज्म है उसको सॉल्व करने का तो वो मैकेनिज्म में अब यूज करता हूं ग्राफ के टर्म्स में सो लेट्स सॉल्व द ग्राफ अगेन ओके तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको एक नाम देंगे नाम वन एंड मतलब इक्वेशन वन इक्वेशन टू आप जरूरी नहीं इक्वेशन ए बी कुछ भी आप नाम दे सकते हैं राम श्याम आपको जो अच्छा लगता है आप दे सकते हैं और सबसे पहले उसके बाद हम लोग डब्बा बनाएंगे इक्वेशन वन के लिए एक डब्बा बनाएंगे और आपके स्कूल में हो सकता है कि दो से ज़्यादा पॉइंट्स लेना सिखाया गया होगा ज़रूर सिखाया गया होगा मैं मान के चलता हूँ ऐसा और उस केस में आपको डरने की बात नहीं है आप तीन पॉइंट्स भी ले सकते हैं मैंने पहले भी बोला है कि दो से ज़्यादा पॉइंट्स जो भी आप लेंगे सब आपके लिए बोनस है अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम डब्बा बनाते हैं तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स प्लस वाई इक्व टू नाइन आप लिख सकते हैं वाई इज़ इक्व टू नाइन माइनस एक्स अब आप एक्स की जगह जो चाहें आप वैल्यू ले लीजिए एक्स की जगह मैं जीरो ले लेता हूँ मैं बार बार कह रहा हूँ जीरो लेने बहुत आसान रहता है एक्स की जगह ज़ीरो ले लिया वाई की वैल्यू आ गई नाइन और क्लियरली अब मैं वाई की जगह जीरो ले, ले लेता हूँ वाई की जगह अगर एक बार एक्स जीरो लेंगे एक बार वाई ज़ीरो लेंगे वाई की जगह जीरो ले लेंगे तो एक्स इक्व टू नाइन एक्स इधर आ जाएगा तो जीरो प्लस एक्स इज़ एक्स एक्स इक्व टू नाइन हो जाएगा तो ये हमारे पास पहले वाले का डब्बा तैयार हो गया बॉक्स तैयार हो गया वैल्यूज़ के लिए सो दैट कि हम ग्राफ आराम से प्लॉट कर सकें अब दूसरे वाले के लिए मैं तैयार करता हूँ दूसरे वाले के लिए x और y की वैल्यूज़ हम फिर से वैसे ही लेंगे x माइनस वाई इक्व टू वन है तो y इक्वस टू कर लेते हैं तो x ये वन राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो माइनस वन हो जाएगा और माइनस वाई है उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा नाउ लेट्स प्लॉट x की जगह ज़ीरो ले, ले लेते हैं x एंड y एक्स की जगह अगर हम एक बार जीरो ले लेंगे तो वाई कितना हो जाएगा माइनस वन एंड अगर वाई की जगह अगर एक बार हम जीरो ले लें वाई की जगह ज़ीरो ले लें तो एक्स इक्व टू कितना हो जाएगा प्लस वन सो ये हमारे पास दो बॉक्स तैयार हो गया नाउ हमारे टाइम है कि अब हम ग्राफ स्केल ऊपर बनाएं तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको स्केल का यूज़ कर लेते हैं और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जैसे हर बार बनाते हैं एंड y एक्सेस सो लेट्स ड्रॉ y एक्सेस तो so y एक्सेस हम लोग तैयार कर लेते हैं ये हमारा x एक्सेस और y एक्सेस हो गया अब हम क्या करेंगे इनको प्लॉट कर देंगे Let me रिपीट बार बार मैं एरो शायद ना भी लगाऊं, तो आप 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 जरूर लगाएंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि एरो रहता ही रहता है ओके okay, अब हम इसको प्लॉट करेंगे एक्स की जगह जीरो वाई की जगह नाइन मतलब एक्स कुछ भी नहीं चला न राइट चला है न लेफ़्ट चला है वाई हमारे पास नाइन है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन चलिए बच गया एकदम एग्जैक्टली एंड पॉइंट पे मिला है मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मार्किंग के लिए इजी हो जाएगा ओके okay, तो नाइन ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया दूसरा है नाइन कॉमा जीरो हमेशा याद रखिएगा पहले एक्स होता है फिर वाई होता है या फिर पहले डिपेंडेंट वेरिएबल होता है फिर इंडिपेंडेंट सॉरी uh, पहले इंडिपेंडेंट फिर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको समझाया है मैंने एक्स की जगह नाइन वाई की जगह जीरो तो एक्स की जगह नाइन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वाई हमारे पास यहां पे जीरो है ये ले लिया मैंने अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू में निकाल के दिखाऊंगा इन दोनों को हमने जोड़ दिया अब एग्जैक्टली exactly यही काम हम दूसरे के लिए भी करेंगे तो दूसरे के लिए कैसे करेंगे ये देखते हैं उसके लिए भी कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट कि अच्छा लगे आपको देखने में एक्स की जगह जीरो है वाई हमारे पास माइनस वन है तो एक्स की जगह जीरो y हमारे पास माइनस वन वाई माइनस वन किधर होगा नीचे की तरफ होगा आई होप कि ये बात आप जानते हैं तो ये मैंने जीरो मार्क कर दिया यहाँ पे जीरो कॉमा माइनस वन ये यहाँ मार्क कर दिया अब हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारे पास x की जगह वन y की जगह जीरो ओके सो x की जगह अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है x की जगह वन y की जगह जीरो तो x की जगह वन हम ले लेते हैं एक्स की जगह वन मतलब ये वाला पॉइंट हमारे पास वाई की जगह जीरो मतलब एक भी पॉइंट मूवमेंट नहीं है तो ये रहा हमारे पास वो पॉइंट जहां पे हम ये मार्क कर देते हैं और ये रहा और इसको लेकर के हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं सो लेट्स ड्रॉ लाइन यूजिंग दिस ये रहा, अभी भी ठीक नहीं है ये थोड़ा सा भी बदलाव होने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है ओके लेट मी डू दिस अगेन मैं फिर से इसको ये ग्रे वाला लाइन दोबारा बना देता हूँ ये ठीक नहीं बना क्योंकि थोड़ा सा चेंज होने से बहुत फ़र्क पड़ जाएगा आपको तो इसीलिए मैं चेंज कर लेता हूँ ओके सो दिस इज़ वन ज़ीरो कॉम एक्स की वैल्यू वन थी वाई की वैल्यू जीरो एक्स की वैल्यू वन वाई की वैल्यू ज़ीरो और x की वैल्यू जीरो y की वैल्यू माइनस वन तो वो ये वाला पॉइंट है अब यहाँ से हम लोग एक लाइन बनाएंगे तो लाइन के लिए मैं एग्जैक्टली exactly ये इस वाले पॉइंट पे मार्क कर लेता हूँ और अब मैं ऐसे करके ये, तो ये रहा। गुड ओके वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट सो लेट्स सी वट द पॉइंट इज नाउ दिस इज द पॉइंट वेयर द मार्किंग इज आई थिंक आई शुड टेक द ब्लू वन ब्लू वन नाउ अब इसको आप ऑब्जर्व करें कि ये कहाँ पे है इस वाले पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो देखिए एक्स वन टू थ्री फोर फाइव एक्स की वैल्यू 5 है यहाँ पे और y कितना है 1, 2, 3, 4. आपने देखा यहाँ पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 4. पहले ही हम लोग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि x की वैल्यू 5 रहेगी y की वैल्यू 4 रहेगी आप देखिए एग्जैक्टली वही आया है आपके मन में ये नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सर आपको तो पता था मिस्टर uh, झा आपको तो पता था कि फ़ाइव फोर होगा इसलिए आपने एग्जैक्टली exactly निकाल दिया विश्वास करिए ऐसा नहीं है मुझे पता था ये बात ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अपने हिसाब से निकाल दिया ग्राफ में अपने हिसाब से आप चीज़ों को तय नहीं कर सकते एट द एंड ऑफ द डे जब आप प्लॉट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी एग्जैक्टली exactly वही आएगी तो फाइव कॉमा फोर जो ये पॉइंट है ये दिखाता है कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होते हैं और जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट होते हैं वही सोल्यूशन होता है वही सोल्यूशन क्यों होता है वो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया तो आप कह सकते हैं कि x इक्व टू फाइव एंड y इक्वल टू फोर इज द सोल्यूशन ऑफ दिस दीज इक्वेशन तो आपने देखा कि कैसे हम इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं ना दिस इज वन वे टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई ड्रॉइंग द ग्राफ But is it practically possible to draw the graph always practically feasible फिजिबल uh, possible but feasible है ये uh, नहीं है क्योंकि आपके पास time limitations होती है graph बनाने में आपको शायद 10 minute भी लग सकता है कभी कभी 15 minute भी लग सकता है depend करता है आपकी speed कितनी है accuracy बहुत matter करेगा लेकिन जो मैं अभी आपको दूसरा मैथड सिखा सिखाऊंगा जिब्रिक तरीके से कैसे हम लोग वैल्यूज फाइन करते हैं दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द method so i'll tell you that method in a separate video. so let me go ahead and solve one another example of the graph only. so graph uh, kame ek dusra example let me go ahead and take another example. so let me do this for you. okay? so the another example is 2x uh, plus 3y equals to 4. सॉरी टू एक्स प्लस फोर वाई है टू एक्स प्लस फोर वाई ईक्वल्स टू थ्री टू एक्स प्लस फोर वाई ईक्ल्स थ्री एंड दूसरा इक्वेशन है मेरे पास ट्वेल्व वाई प्लस सिक्स एक्स इक्वल्स टू सिक्स बोला गया है कि इसका आप इक्वेशन निकाल इसका ये इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है आप इसका सोल्यूशन निकाल के दिखाइए तो इसका सोल्यूशन तो एक अल्जेब्रिक मेथड है वो हम बाद में सीखेंगे मैं अभी ग्राफ से आपको इसका सोल्यूशन कैसे निकलता है वो निकाल के दिखाता हूँ तो हमेशा कोशिश करें कि अगर कभी भी इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर के छोटा हो जाता है हमेशा बना लें याद रखें कि x और y की जो क्वांटिटी है मतलब x और y जो दिख रहा है वो डिनोमिनेटर में ना हो अगर वो होगा तो आपको मुश्किल होगी तो उसके लिए बाद में हम दिखाएंगे आपको कि कैसे उस तरह के इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं अभी मैं सिंपल सिंपल इक्वेशन लेकर के आपको ग्राफ बना के सिखा रहा हूँ बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो अगर आप इसको देखें तो ट्वेल्व वाई प्लस सिक्स एक्स इक्वल्स टू सिक्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे सिक्स कॉमन निकाल लेंगे तो ये कट जाएगा तो इफेक्टिवली अगर आप यहाँ से सिक्स कॉमन निकाल लें तो टू वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू सिक्स है कैंसिल आउट हो जाएगा ये वन रह जाएगा तो ये हो जाएगा टू वाई

अब हम क्या करेंगे इसको x y को वाई uh, को की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियरली अलग अलग कर लेंगे कैसे करेंगे देखिए टू एक्स प्लस फोर वाई इक्व टू थ्री लिखा हुआ है आप y को अलग कर लें x को दूसरी तरफ कर दें आप वैसे x को भी कर सकते हैं आपकी मर्जी है फोर वाई इक्व टू थ्री माइनस टू एक्स हो गया वाई इक्व टू थ्री माइनस टू एक्स अपॉन फोर ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्म में y इक्व टू के फॉर्म में इक्वेशन तैयार हो गया इसकी ये आपको बार बार करना पड़ेगा मैंने पहले भी कहा था कि छोटे इक्वेशन हो तब तो आप डायरेक्टली प्लग करके वैल्यू देख सकते हैं लेकिन बड़ा इक्वेशन होगा तो आपको दिक्कत होगी फिर इस तरह से करना बहुत आसान होगा सबसे पहला काम रहेगा एक्स की जगह जीरो पुट करना एक्स की जगह जीरो आप पुट कर दीजिए वाई की वैल्यू निकल जाएगी वाई की वैल्यू आगे थ्री बाई फोर दैट इज़ जीरो पॉइंट सेवन फाइव मैं लिख देता हूँ थ्री बाई फोर अब हम क्या करेंगे इसी में एक बार वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यहीं पे पुट कर देता हूँ वाई की वैल्यू जीरो ज़ीरो अगर यहाँ पे ज़ीरो रख दें इक्वल्स टू फोर जब ज़ीरो से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा फोर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो जीरो तो थ्री माइनस टू एक्स ज़ीरो इक्वल्स टू थ्री माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए टू एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स टू थ्री बाई टू तो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे थ्री बाई टू आ गया विच इज़ वन पॉइंट फाइव तो मैं इसको ओके इरेज okay, नहीं कर रहा हूँ आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ फिर अभी इरेज करूँगा अब इस वाले को मैं इस वाले के लिए वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ जिसको मैं यूज़ करूंगा ग्राफ बनाने के लिए तो इसके लिए भी बॉक्स बना लिया दो वैल्यूज़ मुझे चाहिए एक्स की जगह ज़ीरो और वाई की जगह एक बार ज़ीरो तो ये इजी है लेकिन फिर भी मैं इसको लिख लेता हूँ वाई इक्वल्स टू वन माइनस एक्स अपॉन टू आप देख सकते हैं वन एक्स लेफ़्ट से राइट right आ गया तो माइनस एक्स हो गया और ये मल्टीप्लाई uh, है नीचे डिवाइड हो गया अब आप एक्स की जगह एक बार ज़ीरो पुट कर दें तो y हमारे पास वन बाई टू हो जाएगा वन माइनस जीरो इज वन वन बाई टू एक बार y की जगह आप जीरो पुट कर दें तो टू मल्टीप्लाई जीरो इज जीरो वन माइनस एक्स इक्व टू जीरो तो x की वैल्यू वन हो गई तो इस तरह से हमने बॉक्स तैयार कर लिया अब बॉक्स तैयार कर लिया अब नेक्स्ट काम क्या रहता है सिंपली हमें ग्राफ बनाना है कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं पहले इरेजर से इरेज कर लेता हूँ और फिर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ सिर्फ बॉक्स में रख लेता हूँ और ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूँ सो so, देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा इसका बनेगा ओके okay, एक और बात मैं आपको बताता चलता हूँ इन द मीन टाइम कि इसका ध्यान रखें कि कभी भी जब आप ग्राफ बनाते हैं तो जितना प्रेसाइस रहेंगे आप उतना प्रेसाइस वैल्यू आपका निकलेगा नहीं तो बहुत बार आपका वैल्यू डेसिमल में निकलेगा और हो सकता है कि आपका अप्रॉक्सीमेशन उस केस में गलत हो जाए तो आप कोशिश करिएगा कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ पर ज़्यादा आप ना रहें चलिए ग्राफ के लिए मैं अब दो लाइन्स बना लेता हूँ एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस का एज़ यूजल सो ये रहा हमारा एक्स एक्सेस और हमारे पास ये रहा y एक्सेस सो so, y एक्सेस भी ले लिया मैंने और x एक्सेस भी ले लिया ओके नाउ लेट्स टेक द वैल्यूज़ एक एक करके ले लेते हैं x की जगह जीरो y हमारे पास थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर मतलब ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव अब यहाँ पे आप देखें वैल्यूज़ जो है वन पॉइंट फाइव से बड़ा नहीं है कहीं पे भी ये वन है ये हाफ है ये वन पॉइंट फाइव एक्स एक्सेस पर देखें वन पॉइंट फाइव सबसे बड़ा वैल्यू है तो इस केस में अब आप क्या करें बड़ा बड़ा पॉइंट लें मतलब एक दो तीन चार इसको वन ले लें एक दो तीन चार इसको टू ले लें फिर ये इसी तरह का स्केल आप ऊपर भी रख सकते हैं वन टू आपकी मर्जी है स्केल आप चेंज कर सकते हैं मैंने पहले भी क्लास में आप लोगों को बताया कि स्केल आप बदल सकते हैं स्केल आपकी मर्जी है आप एक्स एक्सेस पे जो स्केल रख रहे हैं जरूरी नहीं है कि वही स्केल आप वाई पे चुनेंगे ओके ये ओरिजिन है ये हम जानते हैं अब हम वैल्यूज़ लेते हैं एक्स की जगह जीरो वाई की जगह थ्री बाई फोर तो एक्स की जगह जीरो मतलब एक्स एक्सेस पे बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं गया और वाई हमारे पास थ्री बाई फोर है थ्री बाई फोर मतलब जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो ये अगर वन है हमारे पास जीरो पॉइंट सेवन फाइव कहाँ होगा यहाँ पे होगा थ्री बाई फोर है ना तो इसीलिए मैंने चार चार का ब्रिक लिया था सो दैट कि आराम से मैं जीरो पॉइंट सेवन फाइव को मार्क कर सकूँ तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया दूसरा है एक्स की वैल्यू वन पॉइंट फाइव और वाई की वैल्यू ज़ीरो तो एक्स की वैल्यू वन यहाँ है वन पॉइंट फाइव यहाँ है वाई की वैल्यू यहाँ ज़ीरो है क्योंकि वाई ना ऊपर गया ना नीचे गया ये रहा अब इससे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे लाइन जितना प्रिसाइस रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है नहीं तो दिक्कत होगी आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इधर से इधर कर लेते हैं ओके अब हम दूसरा प्लॉट करते हैं एक्स की जगह ज़ीरो वाई की जगह हाफ एक्स की जगह ज़ीरो y की जगह हाफ़ तो x बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है y थोड़ा सा मूव कर रहा है तो हाफ मतलब यहाँ पे आ गया और x की जगह वन y की जगह जीरो x की जगह वन ये रहा और y की जगह ज़ीरो मतलब y बिल्कुल भी यहाँ ना ऊपर गया ना नीचे गया इन दोनों को जोड़ते हुए हम एक लाइन बना लेते हैं तो इन दोनों को जोड़ते हुए अगर एक लाइन बनाएंगे तो ऐसा हमारा लाइन बनेगा ऐसा

फिलहाल यहाँ पे क्या कॉन्क्लूजन होगा अगर दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं और आपसे बोला गया है कि अब ये तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है अब आपसे बोला गया है कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब आप बताइए कि इसका सल्यूशन क्या होगा तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा वो तो अलग बात है इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों लाइन आपस में पैरल हैं तो अगर आपको एक बात याद होगी जो मैंने सल्यूशन के लिए बोला था अगर उस बात को आप याद करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा मैंने सल्यूशन के केस में आपको बताया था कि सोल्यूसन तभी होता है जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसके पीछे कारण भी बताया एक जो मैंने एग्जाम्पल दिया था जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे थे और बताया था कि कहाँ एक दूसरे को मिलते हैं ये उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा उस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ क्योंकि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं तो क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा रेल की पटरियाँ जो होती हैं वो चल रही होती हैं क्या एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट करती है कभी नहीं करती अगर करेगी तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा तो ऑफकोर्स नहीं करती हैं तो कभी भी दो चीजें अगर आपस में पैरेलल चलती है इसका मतलब है कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर तो है मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइन इज ऑलवेज सेम और अगर ऑलवेज सेम है तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो अभी पीछे मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो सोल्यूशन नहीं है तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा इंटरसेक्ट अगर करता तो जरूर सोल्यूशन होता लेकिन क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे The equation do not, the equations do not have any solution. So let me write it for you. The equations do not have solutions. The equations do not have any solution. ये इसका आंसर है. तो ग्राफ के लिए इतना ही. Next वीडियो में और भी ग्राफ के कुछ difficult problems लेकर क्या आऊँगा? और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, सो so दैट कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे मोर मोर ओवर अगर आप लोगों को कोई दिक्कत रहती है तो आप फीडबैक में छोड़ सकते हैं किसी स्पेसिफ़िक टाइप के सवाल अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप फीडबैक में छोड़ सकते हैं थैंक यू